हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम एक टेस्टी सा और हेल्दी सा डिश बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक को ऐसे लंबे लंबे हिस्सों में कट कर लिया है। इसको छिलके को अच्छी तरह से छील लेना है और एक प्याज को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है। ये है नीम की पत्ती की पाउडर। इसको मैंने बनाने के लिए पहले हम नीम के पत्ते को अच्छे से भून लेना है। भून जाने के बाद हम उसको हाथों से मसल कर उसका एक पाउडर बना लेना है। अब हम इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस को ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखकर इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा ही नमक डालना है, हल्दी पाउडर, अब हम इसमें ड्रमस्टिक को डाल देंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। इसको बिना ढके ही 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। ड्रमस्टिक को पकने में 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नीम के पत्ते, जिसको हम पीस के रखा था उसको डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नीम का पत्ती का पाउडर लिया है। इसको हम ऑयल में डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे पंचफुटन, 2 लाल मिर्च, 1 नीम की पत्ती। थोड़ा सा भुन जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। मैंने ड्रम स्टिक को पकाने में नमक डाला था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। डालकर इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ ड्रमस्टिक को डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम गैस की फ्लेम को लो में रखकर इसको ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोलेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाकर
इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसको फिर से ढक लेते हैं। अब हम फिर से इसकी ढक्कन खोलेंगे। इस तरह से पलट पलट कर इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ड्रम स्टिक और नीम के पत्ते और प्याज की फ्राई बन चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। ये हमारी ड्रम स्टिक, नीम के पत्ते और प्याज की मिक्स सब्जी यानी कि फ्राई रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।